sometimes you are most welcome in your academy channel. इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स जो यूपी बोर्ड के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, इस वीडियो लिंक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कूलाम पे स्थिर विद्युत बल्ब पे स्थिर विद्युत बल्ब टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने कूलाम का बल्ब देखा था और उसने क्या कहा था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आवेश क्या है, पॉइंट वाइज है, बिंदुवत है और लोकेशन पे क्या है, फिक्स है, तो उन दोनों बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच में काम करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण का बल काम करेगा, कब काम करेगा, जब दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, प्रतिकर्षण या रिपल्सिव फोर्स कब काम करेगा, जब दोनों आवेशों चार्ज बॉडी पे आवेश की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा या क्या करेगा, दूर हटाएगा, दो ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे, जबकि एक धन आवेश एक ऋण आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो कूलाम ने एक रूल दिया कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इस पे हमने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने कल देखा था, आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या करेंगे, मान लीजिए दो बिंदु बता दें Q1 और Q2, माना दो बिंदुवत आवेश कौन Q1 तथा Q2, ठीक है, ये इनकी स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, R1 वेक्टर और क्या है, R2 वेक्टर। आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये निर्देशांक तल हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 0, यहाँ पे 0 क्या है, पहला वाला भुज है और दूसरा वाला क्या है, कोटि है। ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। एक आवेश यहाँ पे Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। अब बेटा इसकी लोकेशन आप क्या करोगे, इसका स्थिति सदिश निकालोगे, तो यहाँ से मूल बिंदु से क्या कर दो, Q1 आवेश को मिला दो और मूल बिंदु से क्या कर दो, Q2 आवेश को। तो ये आपका जो वेक्टर बना, ये जो सदिश बना, इसमें आप क्या कर रहे हो, एरो दिखा रहे हो, तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 वेक्टर की जो पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, R1 वेक्टर हो गई, और Q2 की स्थिति सदिश क्या हो गई, R2 वेक्टर हो गई।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ से आप Q1 का लगने वाला बल किस पे, Q2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर दो, इसको R और क्या कर दो, Q1 से Q2 की तरफ कर दो। और वेक्टर के योग नियम में हमने पढ़ा है कक्षा 11 में, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के क्या कर दो, टेल से मिला दो, एक वेक्टर के हेड को क्या कर दो, दूसरे वेक्टर के टेल से मिला दो। मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए क्या करोगे, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से क्या कर दोगे, मिला दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, परिणामी वेक्टर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिला हो, तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी जो होता है त्रिभुज के तीसरी भुजा के द्वारा क्या होगा, निरूपित किया जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखो जहाँ पे दो हेड मिल जाए, जहाँ पे दो हेड मिल जाए वो क्या हो जाता है, परिणामी। तो देखो यहाँ पे R1 वेक्टर का हेड R2 वेक्टर के क्या है, टेल से मिला है, परिणामी निकालने के लिए क्या करोगे, ये यहाँ पे R1 वेक्टर का हेड R1 Q2 वेक्टर के टेल से मिला है। अब परिणामी पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे दो एरो आ गए ना, दो तीर आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, परिणामी। और परिणामी क्या होता है, दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर और प्लस हो गया R1 Q2 वेक्टर हो गया। तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों वेक्टरों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दोनों वेक्टरों के बीच की दूरी, तो यह हो गया R1 Q2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश, ध्यान देना, अगर ये दोनों आवेश क्या हैं, समान प्रकृति के हैं, तो ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। ये इसको क्या करेगा, इधर हटाएगा, ये इसको इधर हटाएगा, यानी Q1 वेक्टर क्या करेगा, Q2 पे बल लगाएगा, और Q2 क्या करेगा, Q1 पे बल लगाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कहा, दो आवेशों के बीच में काम करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब आप क्या करो, एक दूसरा फिगर ले लो, यहाँ पे आपका Q1 वेक्टर, यहाँ पे Q2 वेक्टर, और इनका ये स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, ये R1 वेक्टर, और ये क्या आ गया, आपका क्या आ गया, R2 वेक्टर। अब क्या कर रहा है, Q2 किस पे बल लगा रहा है, Q1 पे, तो Q1 पे किसके द्वारा लगने वाला बल, Q2 के द्वारा। यानी इसको आप क्या कर दो, R, ये क्या हो जाएगा, R Q2 के द्वारा Q1 पे बल, या Q1 के कारण किस पे, Q2 पे बल। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे दो वेक्टर संभवतः, यहाँ पे दो तीर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और जहाँ पे दो तीर मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, परिणामी। तो किसमें आप जोड़ रहे हो, यहाँ पे R2 वेक्टर में क्या जोड़ रहे हो, R1 Q2 जोड़ रहे हो, तो परिणामी आपका क्या हो गया, R1 हो गया, परिणामी R1 हो गया। तो R1 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर और प्लस हो गया R1 Q2 वेक्टर। तो यहाँ से R1 Q2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, R1 माइनस क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे R1 Q2 वेक्टर बराबर क्या हो रहा है, R1 वेक्टर माइनस क्या हो रहा है, R2 वेक्टर, और यहाँ पे
आर क्यू टू क्यूवल वेक्टर, क्यू टू क्यूवल, ये आपका यहाँ पे आर क्यू टू क्यूवल, तो आर क्यू टू क्यूवल कितना आ रहा है, ये आर क्यू टू क्यूवल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आर टू वेक्टर माइनस क्या हो गया आर वन वेक्टर। यानी यहाँ से क्या कर दो आप, यहाँ से माइनस निकाल दो है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर टू वेक्टर प्लस क्या हो गया आर वन वेक्टर, यानी आर क्यू टू क्यू वन वेक्टर बराबर माइनस क्या हो गया आर वन वेक्टर माइनस क्या हो गया आर टू वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे आवेशों पे लगने वाले बल की दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो रही है ना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है माइनस आवेश दिखा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, दो बिंदुवत आवेश, दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या करते हैं लगाते हैं, लेकिन दोनों आवेशों के द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या होती है, लगाए गए बल की दिशा क्या होती है विपरीत होती है, क्या होती है अपोजिट होती है, ठीक है। यानी Q1 किस पे बल लगाएगा Q2 पे, और Q2 क्या करेगा Q1 पे बल लगाएगा। इसलिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए F12 यानी आवेश एक पर आवेश दो के द्वारा लगाया गया बल, तो ये हो जाएगा आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगाया गया बल, क्या हो जाएगा F12, क्या होगा ये सदिश राशि होगी, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इनटू Q2, और ये आपका क्या कर रहा है Q1 किस पे बल लगा रहा है Q2 पे, तो Q1 का बल Q2 पे, तो आपका R क्या निकालोगे, आर निकालोगे आपका कौन सा क्यू वन क्यू टू, किधर गया क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन क्यू टू आपका कितना आ गया बटे क्या हो गया आर क्यू वन क्यू टू का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। समझिएगा एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर क्यू वन क्यू टू, क्या है आर वन माइनस आर टू वेक्टर है, ये हो गया मॉड आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का क्या हो गया होल स्क्वायर, और इनटू होता है आर क्यू वन क्यू टू का क्या होता है कैप होता है, ठीक है। एफ वन टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर के मॉड का यानी निरपेक्ष मान का स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाता है आर क्यू वन क्यू टू का क्या कैप, कैप का मतलब क्या एकांक सदिश वेक्टर। अब बेटा आपका जो एकांक सदिश वेक्टर आता है ये आता है आपका आर क्यू वन क्यू टू वेक्टर बटे आर क्यू वन माइनस क्या आर क्यू टू के मॉड का क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है। तो ये आपका हो गया एफ वन टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर बटे क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का क्या हो जाएगा मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया F12 इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर वन
वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और इधर क्या हो गया आर वन वेक्टर माइनस आर टू क्या हो गया वेक्टर का गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप क्यू टू के द्वारा क्यू वन पे बल, इस पे क्यू वन पे क्यू टू के द्वारा, अब क्या करोगे क्यू टू पे क्यू वन के द्वारा बल निकालोगे, यानी आपका आ जाएगा एफ क्यू वन आ जाएगा दो पे आवेश नंबर दो पे आवेश नंबर एक के द्वारा लगाया गया बल, और ये हो जाएगा वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे, और ये क्या हो जाएगा आर टू आपका क्यू टू क्यू वन कितना रहा है क्यू टू कौन ये आ रहा है ये आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, क्यू टू क्यू वन कितना रहा है आर टू माइनस आर वन वेक्टर का क्या हो गया होल स्क्वायर, और इन टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का क्या हो गया क्या हो जाएगा टैप हो गया एकांक सदिश हो गया, यानी किसी वेक्टर को वेक्टर के परिमाण से क्या करते हैं जब हम भाग दे देते हैं तो हमको क्या आ जाता है एकांक सदिश आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया एफ टू वन वेक्टर इक्वल टू वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया यहाँ पे हो गया क्यू वन क्यू टू बटे, और आर टू माइनस आर वन क्या आ रहा है माइनस क्या आ रहा है आर वन माइनस आर टू आ रहा है, ये हो गया माइनस आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, और इन टू क्या हो गया ये हो गया आपका आर टू माइनस आर वन वेक्टर का क्या हो गया कैप हो गया। तो अब ये आपका यहाँ पे ले लो, ये हो गया एफ टू वन वैक्टर इक्वल टू वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे क्या हो गया माइनस आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का होल स्क्वायर, और इनटू क्या हो गया आर वन माइनस आर टू वैक्टर और बटे क्या हो गया माइनस आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का क्या हो गया मॉड हो गया। तो अब ये आपका आ गया एफ टू वन इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो गया माइनस में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का क्या हो गया क्यूब हो गया, और इधर क्या हो गया मॉड में आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर हो गया, उसे मल्टीप्लाई करा दोगे तो अब ये हो गया एफ टू वन इक्वल टू माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे क्या हो गया आर वन माइनस आर टू वेक्टर के मॉड का क्या हो गया क्यू हो गया, और इधर हो गया आर वन माइनस आर टू वेक्टर का जो वेक्टर फॉर्म आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं हमारा एक के द्वारा दो पे लगाया गया बल और आवेश दो पे एक के द्वारा लगाया गया बल दोनों क्या है अपोजिट साइन के आ रहे हैं ना, यानी ये हो गया आपका एफ वन टू इक्वल माइनस एफ क्या हो गया टू वन हो गया, यानी दो आवेश एक दूसरे पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे लेकिन दोनों बलों की दिशा क्या होगी एक दूसरे के क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दोनों बलों के आकर्षण या प्रतिकर्षण की बल की दिशा क्या होगी एक दूसरे पे अपोजिट होगी, यानी कूलाम का नियम क्या करता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है, और गति का तीसरा नियम क्या कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी हर क्रिया की क्या होती है एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसी तरह से अगर हम दो पार्टी हैं और दोनों पार्टी में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया तो एक क्या करेगा गाली देगा, वो भी क्या करेगा तुरंत उसको उठ करके उतना ही शब्द क्या कर देगा बोल देगा, जैसे अगर हम इस दीवार पे धक्का लगाएं तो जितना हम बल हम दीवार पे लगाएंगे ये दीवार भी या ब्लैक बोर्ड भी हमारे हाथों पे क्या करेगी उतना ही बल लगाएगी। इसलिए कूलाम के बल का नियम क्या करता है गति के
तीसरे नियम का पालन करता है। यहाँ पे आपका नोट पॉइंट हो गया गुलाम के बल का नियम गति के तीसरे नियम का क्या करता है पालन करता है। क्या कहेंगे इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या करता है पालन करता है। यानी आप कहोगे गुलाम सुना ओबेज द लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन। हर क्रिया की परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होती है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यहाँ पे कूलम के नियम में भी दोनों आवेश क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। और क्या है दोनों बलों के कार्य करने की दिशा क्या है क्या है विपरीत है। हम तो एक लाठी मार तो तू हम एक लाठी मार दे वो समझा गई। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना हमने गुलाम के नियम का सभी रिप्रेजेंटेशन देखा। अगर मेरा वीडियो लिंक आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज हम आपके यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए या नीट की तैयारी करने के लिए और ज़्यादा एनर्जाइज होकर प्रोवाइड करा सकें। इस वीडियो लिंक में इतना ही।